साधु के अनेक नाम हैं, ऋषि, मुनि, यति, साधु, संत, तपस्वी, अवधूत। ये किनके नाम हैं? अरे बोलिए ना, साधु के नाम हैं। लेकिन इनकी अपनी अपनी क्वालिटी है, किसको ऋषि बोलते हैं, किनको मुनि बोलते हैं, किनको साधु बोलते हैं, किनको संत बोलते हैं, किनको तपस्वी बोलते हैं, सबकी अलग अलग परिभाषा है। हैं तो सारे मुनि के नाम, लेकिन सबकी अलग अलग क्वालिटी की वजह से बोला गया है। जैसे ऋषि हैं तो जिनको रिद्धियां प्राप्त होती हैं उन्हें ऋषि कहते हैं, जो मौन अधिक रहते हैं उन्हें मुनि कहते हैं, जो साधना करते हैं उन्हें साधु कहते हैं, जो तपस्या अधिक करते हैं उन्हें तपस्वी कहते हैं, और जो अपने योगों को अपने वश में कर लेते हैं उन्हें योगी कहते हैं। बात चल रही है योगों पर, मन योग, वचन योग और काय योग पर। तो योग, योगा, योगी और योगाचार्य, अब चार शब्द हमारे सामने हैं। तो योग किसे कहते हैं? मन, वचन, काय को योग कहते हैं। तो योग किसको कहा? मन योग, वचन योग, काय योग। योगा किसको कहा? जो मन को स्वस्थ रखे, वचन को स्वस्थ रखे और काया को स्वस्थ रखे, वो योगा है। और जो इनकी शिक्षा देता है वो योगाचार्य है, और जो इनको वश में कर लेता है, इनकी सिद्धि कर लेता है, वो योगी है। योगी किसे कहा? जो मन को वश में कर ले, वचन को वश में कर ले और काया को वश में कर ले। मन को वश में यानी उनके हिसाब से मन चलता है, अपने आप कोई विचार आ नहीं सकता है, वो जो सोचना चाहेंगे वही विचार मन में आएगा, दूसरा विचार मन में नहीं आएगा। तो मन योग को वश में कर लिया। वचन योग, वो जब चाहेंगे तो बोलेंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं बोलेंगे, ये वचन को वश में कर लिया। और काया, वो जितनी देर बैठकर ध्यान करना चाहें, वो जितनी देर बैठकर ध्यान करना चाहें वो उतना ध्यान कर सकते हैं। वो जब चाहेंगे अपना हाथ हिलाएंगे, जब चाहेंगे अपना पैर हिलाएंगे, और नहीं चाहेंगे तो काया अपने आप कोई उठा पटक नहीं करेगी। इधर तो इंसान थोड़ी देर के लिए मौन हो जाए तो दिमाग में उठा पटक मच जाती है, कब बोलूँ, कब बोलूँ, कब बोलूँ। ना मन वश में है, ना वचन वश में है, ना काया वश में है। जरा सी विपरीत परिस्थितियाँ मिलती हैं तो उनमें अपने आप का आपा खो देते हैं। अपनी इच्छा पूर्ति ना हो तो क्रोध आ जाता है, यही होता कि नहीं होता? लेकिन जो योगी हैं, कितनी विपरीत परिस्थितियाँ मिल जाएँ आपा नहीं खोते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, असंयम में नहीं जाते हैं, मन को आकुल व्याकुल नहीं करते हैं, मन उनके हिसाब से चलता है, वो कहलाते हैं योगी। और जो जरा सी बात में विचलित हो जाए, जरा सी बात में परेशान हो जाए, जरा से मैं उठा पटक करने लगे तो फिर समझना अभी योगी वो नहीं है। इसलिए सबकी परिभाषा अलग अलग है। ऋषि, मुनि, यति, साधु, संत भी कहते हैं। संत किसे कहते हैं? थोड़ा बेस बढ़ाओ। संत किसे कहते हैं? अरे बोलिए ना, जो शांत रहता है वो संत है, जो शांत रहता है वो संत है, और जो शांत नहीं रहता है, अरे बोलिए ना, नहीं नहीं मैं नहीं कहती, हमारे गुरुजी कहते थे, जो नाराज है वो महाराज नहीं और जो महाराज है वो नाराज नहीं। क्योंकि संत बनने के बाद
विपरीत परिस्थितियां तो मिलेंगी, और ऐसा नहीं है कि श्रावक को नहीं मिलती हैं, श्रावक को भी बहुत विपरीत परिस्थितियां मिलती हैं। तो श्रावक और साधु में अंतर कहाँ आ जाता है कि विपरीत परिस्थिति मिलने के बाद भी शांत रहता है। गृहस्थ अभी अपने आप को शांत नहीं कर पाया, इसलिए वो गृहस्थ है। साधु शांत करने की साधना कर रहा है, इसलिए वो संत है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना, आ गई है ना। तो योगी तपस्वी जो तपस्या करता, खूब उपवास करता, खूब व्रत करता, खूब स्वाध्याय करता है, जो 12 प्रकार के तप होते हैं, तो उन तपों को विशेष आगे रख कर के साधना करता है, उसको कहते हैं तपस्वी। तपस्वी की परिभाषा रत्नगण श्रावकाचार में आई है ना। विषयासा वशातीतो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। विषयासा वशातीतो, जो विषय और आशा से रहित है। विषयासा वशातीतो निरारंभो परिग्रह, जो आरंभ और परिग्रह से रहित है। ज्ञान ध्यान तपो रक्ता, अब विषयों की आशा छोड़ दी, परिग्रह है नहीं है, आरंभ करते नहीं हैं, अब टाइम कैसे पास हो भाई? दुकान छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया है, सब काम करना छोड़ दिया, अब खाली बैठा है तो क्या करें? तो ज्ञान ध्यान तपो रखता, ज्ञान और ध्यान में अनुरक्त रहते हैं, तपस्वी सा प्रशस्यते, उन्हें तपस्वी कहते हैं। बात समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। चलो बहुत अच्छे लोग आए हैं आज, बहुत जल्दी समझ में आ गई आपकी, है ना। तो आप लोग संत बनना चाहते हैं? अरे बोलिए ना, बनना चाहते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शांत रहना पड़ेगा। शांत रहने से क्या होता है? अब प्रश्न भाई, जब कुछ कर रहे हैं तो कुछ प्रॉफिट तो होना चाहिए, कोई फायदा तो होना चाहिए, तभी तो हम कायदा और वायदा निभाएंगे। और फायदा ना हो तो काय का कायदा, काय का वायदा? सबसे पहले तो फायदा पहले बताओ, फायदा होगा तो कुछ करें, नहीं तो नहीं करें। आजकल का आदमी ना कायदा जानता है ना वायदा जानता है। आजकल का आदमी फायदा जानता, तो शांत रहने में क्या फायदा है? हैं? देखो, दर्शन भगवान के किसको होते हैं? जो शांत रहता है ना, जो आकुल व्याकुल है, परेशान हो रहा है, दिमाग में परेशानी है, दुखी है, या बहुत हंस रहा है, खिलखिला रहा है, हैं, या भयभीत हो रहा है, या क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति है, या अभिमान घमंड से भरा हुआ व्यक्ति है, या लोभी व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। क्योंकि दिमाग में क्या चल रहा है? या तो भयभीत है, डर रहा है कोई आना जाए, कोई देख ना ले, कोई पकड़ ना ले, भयभीत है। लोभी है, भगवान कुछ मिल जाए, भगवान कुछ तो दे दो, तो लोभी है। अब इसको देना लेना लेना दिख रहा है, इसलिए भगवान के दर्शन नहीं होंगे। अभिमानी है, अकड़ के खड़ा है, अच्छे कपड़े पहने हैं, सोने की चेन पहना है, बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी पहना है, अब उसे भगवान के दर्शन नहीं होंगे। उसे ये लगेगा कोई मुझे देख तो ले, इतने तैयार होके आए हैं, इतनी बढ़िया लिपस्टिक लगा के आए, 1 घंटे आईने के सामने खड़े रहे, तब कहीं जाके मंदिर आए हैं, तो वो देखने नहीं आया है। अरे बोलिए ना, वो मान कषाय से भरा हुआ आया है, ऐसे व्यक्ति को भगवान के दर्शन नहीं होंगे। क्रोधी मानी लालची, इनसे प्रभु भक्ति ना होए। लिखा भी है, कोई दोहा है, एक ही लाइन मुझे याद है कि क्रोधी मानी और लालची, इनसे प्रभु भक्ति ना होए। अब क्रोध से भरा आया, गुस्सा आ रहा, बहुत तेज गुस्सा आ रहा, उससे कह रहा दर्शन कर, हमें नहीं करना तुम्हारे दर्शन, काहे के भगवान कुछ तो ऐसा नहीं करते हैं, हमें नहीं करना है,
गुस्से में भरा व्यक्ति भगवान के दर्शन नहीं करेगा, क्या करेगा, उल्टा और बोल देगा, है ना। तो इसीलिए जब क्रोध मान माया लोभ आदि कषायों से मन शांत रहता है तभी धर्म होता है। धर्म करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले शांत मन चाहिए, और जब तुम आकुल व्याकुल नहीं हो और शांत हो तो धर्म की पहली शर्त है धर्म करने की कि शांत होना चाहिए। और जब तुम शांत हो अब तुम माला फेरो, अब तुम स्वाध्याय करो, अब तुम भगवान की पूजा करो, खूब मन लगेगा। तो शांत रहने का क्या फायदा हुआ? भगवान की भक्ति होगी, माला जाप में, पूजा में, भक्ति में, दान में, प्रवचन में, सब चीज में मन लगेगा। बोलिए हाँ या ना, है ना। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब धर्म करने से क्या फायदा होगा? सुख मिलेगा, है। घर में कोई गुस्सा करता तो क्या कहते? शांत रह, शांत रह, कलेश मत मचा, अशांति मत मचा, शांत रह। कहते हो कि नहीं कहते हो? और जब तुम अशांति मचाते हो तब फिर सामने वाला कहता है, सब एक दूसरे को कह रहे शांत कोई नहीं है, है ना। तो शांति, संत शांत रहते हैं। शांत रहते हैं तो तुम्हें क्रोधी व्यक्ति देखना ज़्यादा अच्छा लगता है कि अभिमानी व्यक्ति को देखना ज़्यादा अच्छा लगता है कि डरपोक को देखना अच्छा लगता है कि ज़्यादा लोभी और मायाचारी को देखना अच्छा लगता है या शांत व्यक्ति को देखना अच्छा लगता है? देख लो पसंद क्या है तुम्हारी। यदि महाराज गुस्सा कर रहे हैं, बहुत जोर जोर से गुस्सा कर रहे हैं और आप दर्शन करने गए हो तो आपको कैसा लगेगा? अरे बोलिए ना, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो जब तुम्हें उस स्थिति में दूसरे अच्छे नहीं लगते हैं तो तुम कैसे दूसरों को अच्छे लगोगे? हाँ या ना, है ना। तो संत बनने के लिए सब क्या शर्त है? शांत रहना, शांत। यदि तालाब का पानी शांत हो तो उसमें तस्वीर नजर आती है, और उसमें लहरें उठ रही हों तो तस्वीर नज़र नहीं आती है। ऐसे ही मन शांत हो तो हमारी आत्मा की तस्वीर हमें नज़र आती है, और मन में यदि क्रोध कषाय आदि की लहरें उठ रही हों तो परमात्मा नज़र नहीं आता है। इसलिए मन योग, वचन योग और काय योग, तीनों को शांत रखना जरूरी है। यदि ये शांत रहेंगे तो तुम अपने लक्ष्य और अपनी मंजिल पर बढ़ पाओगे, और ये शांत नहीं रखेंगे तो तुम अपनी मंजिल पर नहीं बढ़ पाओगे। हालांकि इसकी व्याख्या तो बहुत हो सकती है, लेकिन अभी अपना विषय दूसरा चल रहा है इसलिए अपने विषय पर आती हूँ। विषय चल रहा है पन मिथ्यात्व योग 15 है, द्वादश अविरत जानो। 12 भावना पढ़ते हो बड़ी वाली? नहीं पढ़ते हो तो पढ़ना। 12 भावना की चर्चा चल रही है, आश्रव भावना की चर्चा चल रही है, है ना। पन मिथ्यात्व योग 15 द्वादश अविरत जानो, पंचरु 20 कषाय मिले सब 57 मानो। तत्वार्थ सूत्र में देखें तो काय वांग मना कर्म योगा, मन वचन काय के कर्म के योग से कर्म का आश्रव होता है, है ना। ठीक है, इसमें मन वचन काय को ले लिया। पंडित दौलत राम जी ने भी कह दिया कि जो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रव भाई, मन वचन काय की चपलता कर्मों के आश्रव का कारण है। लेकिन मंगत राय जी ने अपनी 12 भावना में पन मिथ्यात्व योग 15 है, द्वादश अविरत जानो, यानी ये 57 आश्रव बता दिए। कितने? 57, क्योंकि मन वचन काय तो एक साधन है। तो सबसे पहले मिथ्यात्व उल्टा कर देता है हमारी श्रद्धा को। किसको उल्टा कर देता है? जैसे एक घड़ा उल्टा रखा, क्या नीचे का एक घड़ा उल्टा रखा तो ऊपर के सारे घड़े सीधे रखे जा सकते हैं क्या? नहीं रखे जा सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही सबसे पहले श्रद्धा उल्टी हो गई। अब तुम धर्म कितना करो करते रहो,
कितनी पूजा, कितनी भक्ति, कितनी माला, कितनी जाप, पुण्य तो मिलेगा मगर योग सही नहीं है। और योग भी सही हो जाए तो उपयोग सही नहीं हो सकता है, उपयोग तो उल्टा ही रहेगा। कितने ध्यान, कितनी सामायिक, कितना कर लो, तो सबसे पहले मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आना पड़ेगा तो हमारे आश्रव में फर्क पड़ेगा। और यदि हम मिथ्यात्व में पड़े रहे और फिर भी हम सारे काम करते रहे तो समझना कि हम कितना भी धर्म कर लें, जो हमें इतना मिलने वाला था वो केवल इतना ही मिलेगा, क्योंकि हमारा पहला घड़ा उल्टा रखा है। और पहला घड़ा सीधा रख दो तो ऊपर के सारे घड़े सीधे होते चले जाएंगे। इसलिए सबसे पहले मिथ्यात्व बताया है, फिर योग बताया, क्योंकि योगों को उल्टा करने वाला कौन है? मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व को से हम सीधे हो गए, सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो योग भी सही हो गया, कषाय भी कम हो गई, चारित्र में आगे बढ़ने की भी संभावना हो गई। जहाँ अविरति चल रही है वहाँ व्रत भी आने लगेंगे, है ना? तो पन मिथ्यात्व योग 15 द्वादश अविरति। द्वादश अविरति क्या है? ये अविरति शब्द तो सुना होगा ना, अविरति नहीं सुना है, चलिए मैं बता देती। व्रत शब्द सुना? व्रत, हमारे व्रत चल रहे हैं, हमारा आज नमोकार मंत्र का व्रत है, आज हमारे मतलब जो भी आप लोग व्रत करते हैं उसको व्रत बोलते हो, है ना? चलिए, यानी नियम लेना, संकल्प लेना और पापों से बचना, इसका नाम है व्रत। क्या नाम है इसका? व्रत। अब व्रत को विरति शब्द प्रयोग करते हैं पहले, इसको क्या कह दिया पहले? विरति। तो जो संकल्प के अंदर है, पापों के त्याग के अंदर है, वो व्रति है। वो कौन है? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। इन 12 व्रतों का जो पालन करता है वो व्रति है, और जो इनका पालन नहीं करता है, जिसका संकल्प नहीं है, वो अविरति है। अब समझ में आया? विरति और अविरति, ठीक है ना? तो अविरति 12 है, अविरति पन मिथ्यात्व योग 15 द्वादश अविरति, द्वादश यानी 12 और अविरति 12 प्रकार की अवृत्ति, 12 प्रकार से हम कर्मों का आश्रय करते हैं। और होता तो अनंत प्रकार से है, लेकिन उसको हमने एक छोटे रूप में बांधकर समझने का प्रयास किया है। अब वो 12 अविरति कौन सी है? तो 5 इंद्रियां और 1 मन, इनको वश में नहीं करना, 5 स्थावर और 1 त्रस, इन षटकाय जीवों की रक्षा नहीं करना, इसको कहते हैं 12 प्रकार की अविरति। और इनका पालन करना यानी विरति यानी व्रत, विरति यानी व्रत, है ना? समझ में आया? थोड़ा सा विषय आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन इसके जाने बिना आप धर्म में प्रवेश कर भी नहीं पाओगे। इसको जानना अत्यंत जरूरी है। कर्मों के आने में कारण कौन है? अविरति। और एक इंद्रिय जीव की आपने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनका उपयोग आप करते हो, तो आप करते तो जितना आप करते हो उसमें भी कम से कम करना। पानी नहीं, व्यर्थ में पानी नहीं बहाना, व्यर्थ में पंखा नहीं चलाना, व्यर्थ में धरती नहीं खोदना, है ना? व्यर्थ में वनस्पति नहीं तोड़ना। तो इस ये होगी आपकी एक इंद्रिय स्थावर के प्रति दया भी हो गई और साथ में उपयोग भी हो गया। और 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों को नहीं मारना, मच्छर, मक्खी, चींटी, मकोड़े आदि जीवों को नहीं मारना। तो इससे क्या होगा? इससे जो कर्म आ रहे हैं वो रुक जाएंगे भाई। और कौन सा कर्म आएगा? पाप कर्म आएगा। पाप का फल क्या है? सुख कि दुख? अरे बोलिए ना, पाप का फल क्या है? सुख कि दुख? दुख। तो जो भगवान महावीर ने ये जो व्रत बताए हैं, तो तुम्हारे भले के लिए बताए हैं, सुख के लिए बताए या दुख के लिए बताए हैं? सुख के लिए बताए। तो इसीलिए जो आश्रव है उसको रोकने के लिए ये व्रत लेना जरूरी है, अविरति।
पंचरु 20 कसाए मिले, 5 और 20 कितने होते हैं, 5 और 20 कितने हुए, पंच अरु 20 कसाए, 25 कसाए, कौन कौन सी, क्रोध मान माया लोभ। अब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संजलन क्रोध मान माया लोभ, कितनी हो गई, 4 चको 16, 4 चको 16। और हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुंसकवेद कितने हो गए, 9। तो 16 और 9 25 है ना, तो 25 कषाय, 5 मिथ्यात्व, 3 योग और 12 अविरति, ये कर्मों के आने में कारण हैं। और अपने मन योग वचन योग काय योग को सुधार लोगे तो कर्म फिर आएंगे तो सही, लेकिन कम आएंगे। भाई सिर पे वजन रखा है, एक है कि तुमसे सहन हो रहा है और एक है कि तुमसे सहन नहीं हो रहा है। एक बीमारी है, हल्के हल्के घुटने में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चल रही है गाड़ी, चलने दो। और एक ऐसा कि इतना दर्द हो रहा कि तुम उठ भी नहीं पा रहे, एक कदम चल भी नहीं पा रहे, दोनों में अंतर है कि नहीं है, अंतर है ना। तो जब हम इन व्रतों का पालन करेंगे तो कर्म इतने आएंगे कि हम सहन कर लें, और इन व्रतों का पालन नहीं करोगे तो कर्म इतने आएंगे कि तुम सहन भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए इन व्रतों को जरूर लेना चाहिए, अणुव्रत गुणव्रत और शिक्षर व्रत। इसका ज़्यादा और वर्णन पढ़ना हो सुनना हो तो और आपके मोबाइल में कहीं भी मिल जाएगा, आप सर्च कर लेना कि 12 व्रत कौन से होते हैं और 12 व्रतों को कैसे पालन करें, आपको सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कर्मों से बचना चाहते हो या कर्मों के अंदर घुसना चाहते हो, बचना चाहते, कौन कौन बचना चाहता है बाबू जी, अच्छा नहीं, बचना तो सब चाहते हैं भाई, हम मरना नहीं चाहते, सामने जहर वाला भोजन रखा है और हम मरना नहीं चाहते हैं, तो खाओगे नहीं खाओगे, अब खाते भी जा रहे हो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, और खाते भी जा रहे हो तो क्या होगा, बोलिए ना, तुम्हारे चाहने से तुम बच जाओगे क्या, क्या होगा, जहर खाओगे तो मरोगे। हाँ, सामने जहर वाली थाली रखी है और हम अपने आप पे कंट्रोल कर लें और ना खाएं तो बच जाओगे। ऐसे ही इन नियम व्रतों के माध्यम से अपनी बाढ़ बना लें और कर्मों के आने को रोक लें। कर्मों के बंध के और आशाओं के दोनों कारण मंगत राय जी ने इस वाले इसमें लिख दिए हैं, क्योंकि जब कर्म आएगा तो बंधेगा। और 12 भावनाओं में आश्रव भावना है, आश्रव भावना के बाद में संवर भावना है, फिर निर्जरा भावना है, इसमें बंद भावना नहीं दी है, तो इसीलिए आश्रव और बंद के दोनों कारणों का वर्णन इसमें आ गया है कि आश्रव का कारण भी है और बंद का कारण भी है ना। तो मेरी बात आपकी समझ में, अरे बोलिए ना, बड़े अच्छे लोग हैं। तो आज से अणुव्रत तो ले लिए होंगे आपने, है ना, और अच्छे से समझ लेना और भगवान से प्रार्थना करना, भगवान मेरी ऐसी बुद्धि हो जाए कि मैं इन व्रतों को ग्रहण करके पापों से बच सकूं, है ना। इसमें भगवान महावीर का भला नहीं होगा, इसमें मेरा भला नहीं होगा, इसमें तुम्हारा ही भला होगा। लोग दुख से बचना चाहते हैं तो ये दुख से बचने के उपाय हैं, उपाय करोगे, जैसे बीमार है तो उपाय तो करते हो ना, डॉक्टर के यहाँ जाते हो, दवाई खाते हो, है ना। तो जब उपाय किया तो तुम ठीक हो गए, अब तुम्हें खटाई नुकसान करती, तुमने खटाई नहीं खाई, उपाय तो किया ना, आपको जो चीज़ नुकसान करती आपने उसे छोड़ा ना। भाई कोई कोई दूध नहीं, दूध पीता है तो पेट खराब हो जाता, तो वो क्या करता है, दूध छोड़ देता, भाई दूध नहीं पीना, क्यों नहीं पीना, पेट खराब हो जाता, कौन दुख सहन करे। तो दुखों से बचने का उपाय है व्रत, क्या है व्रत, तो आज
चतुर्दशी है, कल पूर्णमासी है, अब कैसे बचें? अभी आप थोड़े थोड़े बचो, ज़्यादा एकदम से त्याग नहीं हो पाएगा। तो अष्टमी चतुर्दशी बाजार के खाने का त्याग, अष्टमी चतुर्दशी रात्रि भोजन का त्याग, अष्टमी चतुर्दशी को पूजा शुरू कर देंगे। अभी आप एकदम से त्याग नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा थोड़ा शुरू करो। आपके बच्चे छोटे हैं, नहीं कर पा रहे, बच्चों की शादी करनी है, आपसे आपका इतना कंट्रोल पावर खुद पर नहीं, हालांकि करने वाले तो। अभी परसों एक वैज्ञानिक हैं जो संजीव सौगानी, यहाँ सम्मेलन होने वाला है, वैज्ञानिक सम्मेलन, साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस 19 और 20 तारीख को होने वाली है, और उसमें करीब 40-42 साइंटिस्ट आ रहे हैं। तो धर्म और विज्ञान दोनों को कैसे सामंजस्य भी उठाया जाए, और धर्म के माध्यम से कैसे जीवन को सुखी किया जाए और पर्यावरण को कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए 19 और 20 तारीख को ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी गई है, और उसमें आप लोग आ सकते हो, आप लोग सुन सकते हो, और जो आने जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो ज़रूर सुने, जिनको अंग्रेजी आती है वो ज़रूर सुने। और ये पारस चैनल पे लाइव भी होगा, हाँ ये प्रोग्राम लाइव भी होगा, शायद 11 या 12 बजे से, 19 तो 20 तारीख में दो दिन का, 11 या 12 बजे से शाम के 4 बजे तक होगा। तो आप अपने घर में बैठकर सुने, लेकिन सुने ज़रूर कि वैज्ञानिक धर्म के लिए क्या बोलते हैं, क्योंकि दुनिया में यदि सबसे बड़ा कोई विज्ञान है तो वो धर्म है। इससे बड़ा विज्ञान दुनिया में हो ही नहीं सकता है। आजकल के वैज्ञानिक ने जो जो खोज करी ना, वो सब दुख का कारण है तुम्हारा, चाहे तुम्हारे गैस चूल्हा हो, चाहे चक्की हो, चाहे लाइट हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, ये सारे दुख के कारण हैं। ये लगते सुख के कारण हैं, और होते, वो मैंने एक दिन कहा था ना, दर्पण में मुख और संसार में सुख, दिखता तो है होता नहीं है। क्या? दर्पण में मुख और संसार में सुख, दिखता तो है होता नहीं है। यदि वास्तव में सुख कहीं है तो धर्म में ही सुख है, इसमें ही लगाओ ही, धर्म सुख कहीं और है ही नहीं है। फिर भी आप मान रहे हो तो चलो मानते रहो, तुम्हारे मानने से तो कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे मानने वाले बहुत आए बहुत चले गए, अपनी दुर्गति करा के बहुत आए इस संसार में और बहुत चले गए। तुम भी आए हो, तुम भी मानते रहो, और नमो सिद्धारम, जाओ तुम भी घूमते रहो इस संसार में। और यदि सुख का कारण समझना है तो धर्म ही है, इसमें ही शब्द प्रयोग कर। तो मेरी बात आपकी समझ में तो आ गई है, इसलिए अब मैं बंद करती हूँ, है ना? कोई नहीं, मैं आपके साथ रहूँगी, आपको सुनाती रहूँगी। चाहे घर में रहोगे तो टीवी में सुना दूँगी, बाहर रहोगे तो मोबाइल में सुना दूँगी, आप सुन लेना। सुनोगे कि नहीं सुनोगे? अरे बोलिए ना, सुन लोगे ना? हाँ, तो अभी आपको पंडित जी बताएंगे कि मोबाइल में सर्च कर लो, मैं मिल जाऊँगी। ढूँढना पड़ेगा, भीड़ बहुत है तुम्हारे मोबाइल में, मुझे ढूँढना पड़ेगा। ढूँढोगे तो मिलूँगी, नहीं ढूँढोगे तो नहीं मिलूँगी। चलिए मैं तीन चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। मकान बनाने में आर्च का, मशीनों को करने में चार्ज का, और मोबाइल में मुझे ढूंढने में सर्च का। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी मेरी बात को समझ लें। नहीं नहीं बहुत अच्छे, क्या स्वस्ती धाम, पंडित जी कह रहे स्वस्ती धाम जहाजपुर यूट्यूब में सर्च करना, बस मैं आके आपको प्रवचन सुना दूंगी, ठीक है? हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का।
चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और भगवान के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। राम की सिया का, सावन में बिया का और आने वालों में हार्ट पिपलिया का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? देवास। बहु में सास का, मनुष्यों में खास का और आने वालों में देवास का बड़ा ही महत्व है। खंडवा। गर्मी में हवा का, बीमार में दवा का और आने वालों में खंडवा का बड़ा ही महत्व है। बूंदी। पोहरी। पोड़ी। मोड़ी। अच्छा, मोड़ी गांव से आए हो? ये तो झालरा पाटन के पास में है। हाँ, सुसनेर के पास में है। समुद्र में कोड़ी का, कोड़ी होती ना, कोड़ी खेलते हैं, समुद्र में कोड़ी का। चढ़ने में पोड़ी का, सीढ़ी को पोड़ी भी बोलते हैं, और आने वालों में मोड़ी का। कौन ही जी? गर्मी में शिकंजी का, भोजन में सब्जी का और आने वालों में कौनी जी का। शाहगढ़। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में शाहगढ़ का बड़ा ही महत्व है। दीमापुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में दीमापुर का बड़ा ही महत्व है। गुवाहाटी। अच्छा, धरती में चींटी का, घर में बेटी का और आने वालों में गुवाहाटी का बड़ा ही महत्व है। कौन सा पुर? गौतमपुरा। गौतमपुरा। अच्छा, रंगों में सुनहरा का, रहने के लिए धरा का और आने वालों में गौतमपुरा का बड़ा ही महत्व है। भिलाई, भिलाई। दूध में मलाई का, हाथ में कलाई का और आने वालों में भिलाई का। नदी में नाव का, होने में अच्छे स्वभाव का और आने वालों में गोटे गांव का। कलकत्ता। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का और आने वालों में कलकत्ता का। करने में अच्छे काज का, करने में अच्छे काज का, बजाने में साज का और आने वालों में प्रयागराज का बड़ा ही महत्व। विजयनगर। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में विजयनगर का बड़ा ही महत्व है। सीकर। सिलचर। सीकर। नहीं करने में फिकर का, बातों में जिकर का और आने वालों में सीकर का बड़ा ही महत्व है। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। होने में गदगद का, मंत्रों में बदवत का और आने वालों में सनावद का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, 2 मिनट और शांति से बैठने का बड़ा ही महत्व है। बैठ जाइए। साड़ियों में साटन का, खिड़की में काटन का और आने वालों में केशव राय पाटन का पुणे। पुणे। अच्छा, रसोई में तवे का, नहीं बोलने में अवे तवे का और आने वालों में पुणे का बड़ा ही महत्व है। बोलिए चौबीसों भगवान की। मैं बहुत दिनों सोच रहा था कि यहाँ पर आकर के श्री भगवान जी के अभिषेक स्थान धारा करूँगा। आज हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत अच्छा लगा है यहाँ के पूज्य माता जी के दर्शन करके, अति हर्ष है। विश्व तीर्थंकर की मूर्त को मन भर के निहारना, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम।
रतन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। स्वस्थ धाम जहाजपुर राजस्थान की भव्य धरा पर होने जा रहा है ऐतिहासिक वैज्ञानिक सम्मेलन। पर्यावरण संरक्षण और विश्व शांति हेतु आध्यात्मिकता एवं विज्ञान के विकास का समाज पर हो रहे प्रभाव पर विशेष चर्चा। तिथि 19 एवं 20 अक्टूबर 2024, स्थल स्वस्थ धाम जहाजपुर राजस्थान। मंगल सानिध्य भारत गौरव स्वस्थ धाम प्रणेत्री काव्य रत्नाकर, युग प्रवर्तिका परम विदुषी लेखिका गणनी आरिका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी। कार्यक्रम में विशेष पर्यावरण संरक्षण में आध्यात्मिकता की भूमिका, आंतरिक शांति और ध्यान के माध्यम से विश्व शांति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हाल के विकास और उनके समाज पर प्रभाव, वैज्ञानिक नवाचारों और प्रौद्योगिकी का पर्यावरण संरक्षण में योगदान। आयोजक ज्ञान सागर साइंस फाउंडेशन न्यू दिल्ली एवं स्वस्थ धाम जहाजपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान। देखिए कार्यक्रम का भव्य प्रसारण 19 एवं 20 अक्टूबर 2024 दोपहर 12:30 बजे से सिर्फ पारस चैनल पर।